विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस जल्द ही अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर देगी। पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी ने पहली सूची के लिए 46 वर्तमान विधायकों को टिकट देने की मंजूरी दे दी है। खबर आ रही है कि दिल्ली में हुई स्क्रीनिंग कमेटी में कुल 70 उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई है, जिसमें से 46 उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए गए हैं। हालांकि पार्टी ने इनके नामों की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन आपको बता दें कि किन नेताओं के टिकट फाइनल हुए हैं। आपको बता दें कि चुरहट से अजय सिंह, राजपुर से बाला बच्चन, विजयपुर से रामनिवास रावत, अमरपाटन से राजेंद्र कुमार सिंह, पवई से मुकेश नायक, अटेर से हेमंत कटारे, लहार से गोविंद सिंह, भोपाल उत्तर से आरिफ अकील, पिछोर से केपी सिंह, गुड़ से सुंदरलाल तिवारी, डिंडोरी से ओमकार सिंह मरकाम, लांजी से हिना कावरे, केवलारी से रजनीश सिंह, परसवाड़ा से मधु भगत, कोतमा से मनोज कुमार अग्रवाल, पुष्पराजगढ़ से फुंदेलाल मार्को, देवरी से हर्ष यादव, गंजबासोदा से निशंक जैन, लखनादौन से योगेंद्र सिंह हर्ष, कोलारस से महेंद्र सिंह यादव, गंदवानी से उमंग सिंघार, सिहावल से कमलेश्वर पटेल, नागौद से यादवेंद्र सिंह, बमहोरी से महेंद्र सिंह सिसोदिया, इछावत से शैलेंद्र पटेल, नरसिंहगढ़ से गिरीश भंडारी, राघवगढ़ से जयवर्धन सिंह, चित्रकूट से नीलांशु चतुर्वेदी, बहोरी वन से सौरभ सिंह, चंदेरी से गोपाल सिंह चौहान, खरगापुर से चंदा सुरेंद्र सिंह गौर, राजनगर से कुंवर विक्रम सिंह, पाटन से नीलेश अवस्थी, जबलपुर पश्चिम से तरुण भनोट, मंडला से संजीव उइके, परासिया से सोहनलाल वाल्मीकि, पांडुर्णा से जतन उइके, हरदा से रामकुमार दोगने, वहीं कसरावत से सचिन यादव, भगवानपुरा से विजय सिंह सोलंकी, बेगनगांव से झूमा सोलंकी, सुभाषा से हरदीप सिंह डंग को टिकट देने की बात कही गई है और अमरवाड़ा से कमलेश शाह, कुक्षी से सुरेंद्र सिंह बघेल और मुंगावली से ब्रजेंद्र सिंह को टिकट दिए जाने की चर्चा सामने आई है।